अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। बाज़ार से भी अच्छा और टेस्टी और कई महीनों तक का हम एयर टाइट कंटेनर में रख कर रख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मसाला चना दाल नमकीन। ये बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं लगती। हम यहाँ पर देख लेंगे इन्ग्रीडियंट्स। हमने यहाँ पर 3 कप चने की दाल ले ली थी, उसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेना है और भिगोने के बाद इसे अच्छे से सुखा लेना। किचन टॉवल से या कोई भी कॉटन के कपड़े से चने के दाल को अच्छे से पोंछ ले, इसमें पानी ना रहने दे, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तो पानी तो हमारे ऊपर उड़ेगा तेल में मिलकर। हमने इसी कप से 3 कप चना दाल ले लिया था और 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लेना है ताकि हमारी चने की दाल अच्छे से भिग जाए। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर ले लेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। आप चाट मसाला भी अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप दालें कम ज़्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से मसाले भी ले लें। 1 छोटा चम्मच हम ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा लें, कम पसंद है तो कम लें। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में पहले से ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था। एकदम अच्छे से तेल गरम होने देना है। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा चने की दाल डालकर देख लेंगे हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं हमारा तेल जो है अच्छे से गरम हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे और दूसरा चने की दाल डालेंगे जो हमें फ्राई करना है। और आँच स्लो नहीं करना है जब हम चने की दाल डालेंगे फ्राई होने के लिए। ये देखिए, हमने डाल दिया। आप देख सकते हैं चने की दाल डालते ही बबल बबल उठ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी चने की दाल अच्छे से फ्राई होती जाएगी वैसे ही इसमें बबल कम होते जाएंगे। हमें चलाते रहना है बीच बीच में। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आँच तेज़ रखें, स्लो आँच या मीडियम आँच पर ना पकाएं। तेज़ आँच पर बहुत ही अच्छी फ्राई होती है हमारी चने दाल। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे तेल में जो बुलबुले आ रहे थे वो हल्का हल्का कम हो गया है। वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। और बीच बीच में हम अपने चने दाल को चलाते जाएंगे ताकि अच्छे से हमारी चने दाल फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं ऊपर भी आना स्टार्ट हो चुकी है हमारी चने की दाल। ये देखिए, थोड़ी देर बाद हमारी जो चने की दाल है फ्राई होकर अच्छे से ऊपर आ गई है। बस हमें इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं तलना है दालों को, नहीं तो काली पड़ जाएंगी। बस इतने पे ही हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तो निकाल लें। बहुत ज़्यादा ब्राउन ना होने दें, नहीं तो हमारी चना दाल अच्छे से टेस्ट नहीं देगी जो हमें बाजार जैसा चाहिए, नहीं तो फिर जला जला आएगा। बस इसी स्टेज पे हमें अपने चने दाल निकाल लेना है। यहाँ पर आँच स्लो कर लेंगे, आँच तेज़ ना रखें, नहीं तो जो बाकी बची हमारी कढ़ाई में है वो जल जाएंगी। बर्तन ले लेना, उस पर आप चाहें तो टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर ले लें और चना दाल निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। ऐसे ही करके हमारी सारी चने दाल हमें निकाल लेना है। बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमें मज़ार जैसी मसाला चना दाल बनकर तैयार होती। देखिए, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आ गया है। ऐसे ही करके हमने सारी चने दाल निकाल ली थी। अब दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। जितनी भी हमारी चने दाल हमने ली है थोड़ा थोड़ा करके तेज़ आँच पर फ्राई कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी दालें फ्राई कर ली हैं अच्छे से। एक भी दाल हमारी जली हुई नहीं है। ये देखिए, अब इसे हम एक बर्तन में ले लेंगे। हम यहाँ पर दूसरा बर्तन लेंगे और उसी में निकाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हमने जो चाट मसाला लिया था। इसके बाद हमें डाल देना है इसमें हमने जो नमक लिया था। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है हमने जो लाल मिर्चों का पाउडर लिया था। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमने जो मसाले ऐड किए हैं हमारे चने की दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चने की दाल में मसाले अच्छे से ऐड हो चुके हैं। कोई भी ऐसी चने की दाल नहीं है जिसमें मसाला ना लगा हो जो हमने डाला था। ये देखिए, मैं आपको चलाकर भी दिखा देती हूँ। सारी चने की दाल में हमारे मसाले अच्छे से लग चुके हैं। तो तैयार है हमारा मसाला चना नमकीन बाज़ार जैसा। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर एक बार आप इस तरीके से घर पर बनाएंगे तो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। एक बार आप इसे घर में बनाकर रख लें, कोई भी मेहमान आता हो उनको आप पानी पीने के लिए दे सकते हैं। वो फ़र्क बता ही नहीं पाएंगे कि आपने घर में बनाया है या फिर बाहर से मंगाया है।
बहुत सी चीज़ों में हमें चने दाल की ज़रूरत पड़ती है, तेज़ दाल भी इसे कहते हैं। तो एक बार बना लें और इसे इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।